नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। नई शिक्षा नीति और समग्र शिक्षा पर ईटानगर में जिला पंचायत अध्यक्षों, सदस्यों, ईटानगर नगर निगम और पासीघाट नगर पालिका के प्रतिनिधियों के लिए जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। शिक्षा मंत्री ने कहा, सरकार सभी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से शुरू हो रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन से जुड़े सभी लोगों को दी बधाई। कहा, पिछले 7 वर्षों में सरकार ने भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है अपनाई। सभी नागरिकों से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए स्वयं को समर्पित करने का किया आह्वान। निशुएलिस्ट सोसाइटी ने अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हुए निशी समुदाय के युवा सदस्यों को किया सम्मानित। गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने कहा, सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने और नशा विरोधी अभियान से समाज के सभी वर्गों का ले रहा है सहयोग। नई शिक्षा नीति और समग्र शिक्षा ISSE पर आज ईटानगर में जिला पंचायत अध्यक्षों, सदस्यों, ईटानगर नगर निगम और पासीघाट नगर पालिका के प्रतिनिधियों के लिए जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्य के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर, प्राथमिक शिक्षा विभाग की विशेष सचिव सौम्या सौरभ, समग्र शिक्षा ISSE के कई अधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जिला पंचायत, ईटानगर नगर निगम और पासीघाट नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों से समग्र शिक्षा योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने में सहयोग और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। एजुकेशन में आप सबकी रोल क्या हो सकता है और हमारे एजुकेशन की डिपार्टमेंट की क्या रोल हो सकता है और हमारे म्यूनिसिपल की क्या रोल हो सकता है, इसको हम सब रूबरू करके जानकारी लेना बहुत दरकार है। अब जितना भी देखा जाए तो हमारी शिक्षा नीति, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो वो सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये एक स्कीम बनाई गई है जो कि पहले सर्व शिक्षा अभियान थी, अब समग्र शिक्षा अभियान बन गई है। आज के कंटेक्स्ट में हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हम सब अब एक नए स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का गठन हुआ और अभी हाल ही में पावर भी डिवॉल्व की गई 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 29 सब्जेक्ट्स के अंदर, तो एजुकेशन उसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और पूरे देश की कंटेक्स्ट। केंद्रीय सतर्कता आयोग सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है। इसका विषय है स्वतंत्र भारत 875, सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भर। पेश एक रिपोर्ट। केंद्रीय सतर्कता आयोग देश की शीर्षस्थ सत्यनिष्ठा एवं सतर्कता संस्थान होने के नाते ईमानदारी, पारदर्शिता और जनजीवन में जवाबदेही को बढ़ावा देने हेतु प्रयासरत है। 1 नवम्बर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। भारत की विकास यात्रा में देश के नागरिकों की मेहनत, सजगता और समाज व राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी के भाव की भूमिका अहम है। जन भागीदारी और सामूहिकता की शक्ति से ऊर्जित देश आज बड़े संकल्प लेता है और उन्हें हासिल भी करता है। भारत का जन सामर्थ्य पूरी दुनिया में एक नया विश्वास भर रहा है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के विषय के रूप में स्वतंत्र भारत 875, सत्य निष्ठा से आत्मनिर्भरता का चयन प्रशंसनीय है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश बीते 7 सालों से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के नीति के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। समग्र और निरंतर प्रयासों से देश में एक विश्वास कायम हुआ है कि भ्रष्टाचार को रोकना संभव है। आज समयानुकूल और शुचितापूर्ण व्यवस्थाएं लोगों की जिंदगी को आसान बना रही हैं। देश के नागरिकों को सशक्त करने के लिए जिस तरह तकनीक और नागरिकों की सत्यनिष्ठा को ताकत बनाया है, उसने सामान्य जन का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाया है। आज देश में जो सरकार है वो देश के नागरिकों पर भरोसा करती है। पारदर्शी और सहज व्यवस्थाओं के कारण देश के जन जन में ये भरोसा भी कायम हुआ है कि अब भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता। आज़ादी के अमृतकाल में
आत्मनिर्भर भारत के विराट संकल्पों की सिद्धि की तरफ देश बढ़ रहा है। अमृतकाल में हम सभी को एक बात हमेशा याद रखनी है, राष्ट्र प्रथम। मुझे विश्वास है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का ये आयोजन एक बेहतर भविष्य के लिए जीवन में, विशेषकर सार्वजनिक जीवन में, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग को इस पहल और भविष्य के प्रयासों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। निशी एलिस सोसाइटी ने आज ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जोलांग में आयोजित एक कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में जनजाति के सफल उम्मीदवारों को सम्मानित किया। इस अवसर पर गृह मंत्री बामांग फेलिक्स, शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर, निशी एलिस सोसाइटी के अध्यक्ष बेंगिया तोलुम सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपने संबोधन में श्री फेलिक्स ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी संगठनों को साथ में लेकर कानून और व्यवस्था बनाए रखने, मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान और अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के समाधान की दिशा में कार्य कर रही है। आज हम लोग काफी अचीवर्स लोग, इवन हम लोग आवर्स टुगेदर, इट टुक आवर्स टुगेदर। हमको बताया गया कि जो जोरम डॉक्टर जोरम बेगी लोग जिस समय निशील स्ट्रेटी को प्रोमेशन किया 1982, देयर वेयर नॉट इवन अ डजन ग्रेजुएट इन दिस प्रोमिनेंसी कम्युनिटी। आशीर्वाद हमेशा रहेगा, इसी कम्युनिटी का आशीर्वाद भी हमेशा रहेगा। लेकिन हम यही चाहता है कि आप निशी का नाम को थोड़ा रोशन करने के लिए आप सोचें, जहाँ भी होता है तो मेरा पीछे में पूरा लंबा लाइन से जाति खड़ा है, उसको आप सोचिएगा कि यू आर नॉट अलोन। आपका अच्छा काम से इसी जाति को पूरा को अच्छा नाम मिलता है। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में ईदू मिश्मी टेक्सटाइल की बुनाई पर आज से 35 दिन का कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। नबार्ड द्वारा प्रायोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 60 चयनित लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में नबार्ड के क्षेत्र महाप्रबंधक पार्थो साहा ने वरिष्ठ अधिकारी कमल रॉय, नित्या मिली, रोइंग के SDO रेबिका तायंग और गैर सरकारी संगठन अमिया के सचिव RK पॉल चावांग मौजूद थे। श्री साहा ने कहा है कि नबार्ड राज्य भर में कौशल विकास प्रशिक्षण के साथ ही स्थानीय स्तर पर उद्यम स्थापित करने के लिए युवाओं को विशेष रूप से सहायता उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने हस्तशिल्प और कृषि से संबंधित क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने की अपील की। नए जनरेशन में बहुत कम लोग इस आर्ट के साथ जुड़े हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से कुछ लोगों को इसमें इसके लिए ट्रेन अप किया जाए, उनको ऑर्गेनाइज किया जाए, एक मिनी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में सिर्फ ये लोकल डिमांड नहीं, ये जो एक यूनिक प्रोडक्ट है इसको एक बिगर मार्केट के लिए तैयार किया जाए, एक वर्ल्ड स्टेज पे ले जाना, न सिर्फ दिल्ली हार्ट में, ये हमारा ड्रीम है। और इसमें मैं अमिया NGO और नवरत का तरफ से भी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जो हमें ये मौका दिया है, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आगे भी हम कुछ अगर फ्यूचर में करना चाहे तो आप प्लीज़ हमें मदद करें कि हम अपना ट्रेडिशनल को आगे बढ़ा सकें और इस ट्रेडिशन को लेकर। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में। तेईस वर्ष की उम्र में विद्यार्थी ने प्रकाशन छोड़ दिया और कानपुर चले गए। वहां उन्होंने 1920 में अपना साप्ताहिक पत्र प्रताप शुरू कर दिया। उसी वर्ष उन्हें रायबरेली के किसान आंदोलन में भाग लेने के कारण 2 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा हुई। उन्होंने न केवल स्वाधीनता संघर्ष के बारे में खूब लिखा, बल्कि समाज में बराबरी के बारे में भी लेख लिखे। अपने तेवर के चलते प्रताप जल्द ही स्वाधीनता आंदोलन का प्रमुख मंच बन गया। विद्यार्थी ने जनता में रचनात्मक सोच विकसित करने के लिए भी पत्रकारिता का बखूबी उपयोग किया। गणेश शंकर विद्यार्थी ने हिंदुस्तान बिरादरी नामक संगठन बनाने में भी
प्रमुख भूमिका निभाई। इस संगठन ने सांप्रदायिक भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए तमाम त्योहारों पर संयुक्त समारोह आयोजित किए। गणेश शंकर विद्यार्थी असहयोग आंदोलन के दौरान प्रभावशाली नेता के रूप में भी उभरे। विद्यार्थी जी ने 1917-18 में होम रूल लीग आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई और कानपुर के कपड़ा मिलों के कामगारों की पहली हड़ताल का नेतृत्व किया। उन्होंने खुले दिल से भारतीय क्रांतिकारियों का समर्थन किया। भगत सिंह ने भी प्रताप में काम किया था, वहाँ वे बलवंत सिंह के नाम से लेख भी लिखते थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के तुरंत बाद कानपुर में दंगे हो गए थे। कानपुर के शेर के रूप में मशहूर विद्यार्थी ने दंगे रोकने और शांति कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुर्भाग्य से तीनों क्रांतिकारियों के फांसी के 3 दिन बाद 25 मार्च 1931 को दंगों में विद्यार्थी की भी हत्या कर दी गई। विद्यार्थी को श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा था, इन परसुएंस ऑफ हिज ड्रीम ऑफ अ स्ट्रांग एंड यूनाइटेड इंडिया ही सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर पीस एंड नॉन वायलेंस लाइक अ ट्रू डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश भर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने कहा है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कैंसर, डायबिटीज सहित विभिन्न बीमारियों की शुरुआती जाँच की सुविधा उपलब्ध होगी। देश के नागरिक को ट्रीटमेंट मिले, उसको प्राइमरी हेल्थ चेकअप हो जाए, ऐसे 12 प्रकार के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर योगा की भी व्यवस्था है, डायबिटिक पेशेंट की जांच, टेस्टिंग, बीपी, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये सभी की प्राइमरी लेवल पर जो चेकअप हो जाए तो हम नागरिक को बचा सकते हैं। और इसलिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश में 1,50,000 बनाने का निर्णय किया। आज शायद 79,000 से अबव हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रारंभ हो चुका है। उससे आगे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत उसको सपोर्ट किया गया। जब आपको हेल्थ केयर को आगे बढ़ाना है और सुनिश्चित करना है तो आवश्यकता होती है डॉक्टर्स की, और डॉक्टर्स का एजुकेशन के लिए मेडिकल कॉलेज की। मोदी जी ने कहा पहले 3 लोकसभा सीट में 1 मेडिकल कॉलेज बनेगी, उससे आगे बढ़ना शुरू किया और हर डिस्ट्रिक्ट में 1 मेडिकल कॉलेज बने, इस दिशा में काम चालू किया। 157 नई मेडिकल कॉलेज मंजूर किया। अरुणाचल प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तारो चातुंग की आज दूसरी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश प्रेस क्लब में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में प्रेस क्लब के अध्यक्ष दोदुम यांगफो, अरुणाचल प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अमर सांगनो सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े कई पत्रकार मौजूद थे। तारो चातुंग जी के योगदान को याद करते हुए दोदुम यांगफो ने कहा है कि राज्य में मीडिया कर्मियों के कल्याण के लिए प्रेस क्लब प्रतिबद्ध है। देन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी वो जो पोस्टिंग जो प्यून का दिया है वो भी दिया है बहुत दूर में। अभी लास्ट फिर PhD में वो लोग एडजस्ट करेगा वो। तो मेरा तो अरुणाचल गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप तारीख पे तारीख मांगते। चातुंग साहब का एक वो था, अब BA रेशनल में एक जो जज कर सकता है एक आदमी को, अब मीडिया चलो आप माफ नहीं करने से भी, अब रेशनल आदमी का क्या रहता है, कभी वो एक सिंगल साइड नहीं लेगा, हमेशा दोनों वर्सन को लेगा। जर्नलिज्म सही रहेगा, आपका मकसद सही रहेगा तो आपका लैंग्वेज वो बैरियर ही नहीं होगा। ये चातुंग साहब से हम सीखा है। ईस्ट सियांग जिले के निगलोक स्थित अरुणाचल प्रदेश के एकमात्र सैनिक स्कूल में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होने से कैडेट्स में उत्साह है। उनका कहना है कि ऑफलाइन कक्षाओं में उन्हें शिक्षक से सवाल जवाब करने और गैर शैक्षणिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का अवसर मिलता है।
सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल कमांडर प्रवीण कुमार पौला ने बताया है कि क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही कोविड दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि एक महीने के अनुभव के आधार पर चरणबद्ध तरीके से कक्षा 6 से 8 ऑफलाइन कक्षाएं शुरू की जाएगी। State government and science school society. Based on the experience we observe for next 1 month, how the residential facilities will taken over and based on the conditions, we are planning to call all other classes, 6th, 7th, 8th classes soon to the school. As we interacted with the parents and children, they are very happy to have offline classes. In my opinion, I think the offline class is better. Because during online classes, although it was a wonderful experience, we suffered a lot of problems like network issues and problems like electricity. So I think offline classes better than online class. I choose offline classes because. अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड 19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को माने। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।